नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दो दिवसीय दौरे पर, जहां पर वो बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को मजबूत करने के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर भाग भी ले रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश में कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध में 5 लोगों की मौत हो चुकी। लेकिन आखिर पीएम मोदी को लेकर जिस तरह से बांग्लादेश पलके बिछाए बैठा है, उसी बांग्लादेश में ऐसी तस्वीर। तो आज हम अपनी इस स्टोरी में बताने वाले हैं कि कौन है वो लोग जो पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद राजधानी ढाका और चट्टगांव में कट्टरपंथियों ने जुलूस निकाला, जिसमें पुलिस के साथ झड़प के दौरान 4 प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ढाका की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर आज ढाका में फेसबुक पर भी अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। जानकारी देते चलें कि हिफाजत इस्लाम नाम के एक कट्टरपंथी संगठन ने पहले ही पीएम मोदी के दौरे का विरोध करने का ऐलान किया था। हिफाजत इस्लाम का गठन 2010 में बांग्लादेश के मदरसा शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर बनाया था। ये एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है, जिसकी अधिकतर फंडिंग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI करती। विदेशी मीडिया की माने तो हिफाजत इस्लाम की फाइनेंसिंग का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब के कट्टरपंथी भेजते। इस संगठन ने साल 2013 में बांग्लादेश की सरकार को एक 13 सूत्रीय चार्टर सौंपा था, जिसमें ईश निंदा कानून को लागू किए जाने की मांग की गई थी। गूगल को खंगालने के बाद पता चलता है कि साल 2009 में बांग्लादेश की सरकार ने महिला विकास पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार किया, जिसका कट्टरपंथी गुटों ने बड़ा विरोध किया। 24 फरवरी 2010 को मदरसा शिक्षकों और छात्रों ने धर्म आधारित राजनीति पर प्रतिबंध लगाने का विरोध किया था और फैसले का विरोध करने के लिए चटगांव के लाल डिग्गी मैदान में रैली आयोजित की थी। उनकी मांग थी कि इस रैली के जरिए वे अपनी ताकत दिखाकर सरकार के ऊपर संविधान में 5वां संशोधन रद्द करने का दबाव बनाएंगे। इसमें बांग्लादेश में मदरसा शिक्षा को खत्म कर एक नई शिक्षा नीति का प्रस्ताव दिया गया था। पुलिस ने इनकी मंशा भांपते हुए जब रैली की अनुमति देने से इनकार किया, तो इन कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। उसके बाद इनके संगठन का नाम बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया में फैल गया। जानकारों की माने तो इस संगठन की स्थापना इजहारुल इस्लाम ने की थी। इनके अलावा पहली महिला कौमी मदरसे की संस्थापक और प्रिंसिपल अब्दुल मालिक हलीम भी इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में शामिल। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों पीएम मोदी का विरोध हो रहा है और इसका कारण क्या है।